अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करते हैं जी आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप दुनिया के जिस भी कोने में से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और इंडिया में और बांग्लादेश में मेरे ख्याल से कल ईद है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं आप अपनी ईद को इंजॉय कर रहे होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और उम्मीद करते हैं कि ईद के दिन भी आप अपने कबूतरों का शौक़ कर रहे होंगे, इनकी देखभाल कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं तो ईद के दिन भी आपकी छुट्टी नहीं है। ईद के दिन भी आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है, इनका दाना पानी का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने भी अपने सारे कबूतरों को दाना शाना खिला दिया है, पानी वगैरह भी रख दिया इनके सामने। और आज आप सब दोस्तों को मैं एक स्पेशल वीडियो बना के दिखाऊंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको शौक़ कराया था कांटों वाले कबूतरों का, आज की वीडियो में दोस्तों हम शौक़ करेंगे कल सिले टेडी कबूतरों का। तो इस वीडियो में साथ हैं, मैं केज के अंदर चलता हूं और आज आपको कल सिले टेडी कबूतरों का शौक़ कराता हूँ। दोस्तों चलते हैं जी ब्रीडिंग केज के अंदर, और आपके लिए अच्छे अच्छे मैं आज कल सेरे टेडी कबूतर दिखाऊंगा, उनका शौक कराऊंगा। कबूतरों ने दाना शाना खा लिया है, आ जाओ यार। पांच कबूतर ही दिखाते हैं, ठीक है सर। कल भी हमने पांच देखे हैं कांटों वाले, आज पांच कल सेरे दिखाते हैं। कितने आ गए? चार हो गए। दोस्तों कल मैंने आपको पांच कांटों वाले टेडी कबूतर दिखाए थे, आज मैंने सोचा आज भी आपको पांच ही कलसेरे कबूतर दिखाऊंगा। तो पहला ये कबूतर मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो चले इसकी आंख का और पर का शौक करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं जी, इसका कलर किस तरह का डेवलप हुआ हुआ है। कलसेरा टेडी कबूतर है पूरा इसका। कलसेरा हम इसको इसलिए कहेंगे कि पूरा जो इसका गर्दन से कलर है वो सारा का सारा ब्लैक है, काले रंग का है, तो हम इसको कलसेरा कहेंगे। चले इसकी आंख और पर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त बच्चे भी पाल रहा है। ये है जी इसकी आँख, और ये है जी इसके पर। ये है जी दोस्तों सेकंड नंबर पे कलसेरा टेडी कबूतर। चले इसकी भी आंख और पर देखते हैं। ये है जी इसकी आंख, ये है इसके पर। इसको भी छोड़ देते हैं। और ये है जी दोस्तों आज का तीसरे नंबर पे कबूतर कलसेरा टेडी कबूतर। ये है जी इसकी आंख, ये है जी इसके पर। ये भी आप देख सकते हैं जी दोस्तों बिल्कुल गर्दन से स्याह रंग का, काले रंग का। इसकी भी आंख, ये है जी इसकी आंख,
ये भी इस वक्त बच्चे पाल रहा है। मोस्टली इस वक्त सारे कबूतर बच्चे पाल रहे हैं। और ये जी इसके पर ये हो गया जी चौथा कबूतर। और ये है जी दोस्तों पांचवा कबूतर, ये भी आप देख सकते हैं इसने भी कलसेरे रंग का कलर डेवलप किया है। शायद इसकी भी आँख और पर देख लेते हैं, ये भी बच्चे पाल रहा है। ये है जी इसकी आँख और ये है जी इसके पर। चलें इनको छोड़ देते हैं और पांचों का एक साथ शौक करते हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पांच कलसेरे टैडी नर जिनका आज मैंने आपको शौक कराया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारों ने किस तरह का कलर डेवलप किया है, मिलते जुलते इनके कलर्स हैं, सेम ब्लड लाइन है और इनकी एज भी तकरीबन मिलती जुलती है। तकरीबन 1.5 से 2 साल है अभी इनकी, इतनी ज़्यादा एज नहीं। अगले साल ये और अपना कलर गहरा करेंगे। देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सब गहरे रंग के कबूतर हैं। गर्दन से इन सब का कलर जो है गहरा स्याह रंग का, इसी वजह से इनको हम कलसेरा कबूतर कहेंगे, कलसेरे कबूतर कहेंगे। वो जो मैंने आपको कल कबूतर दिखाए थे पांचों कांटों वाले कबूतर थे, वो भी सेम ब्रीड थी लेकिन उनमें आपने देखा कलर, आज के कबूतर कितना कलर में डिफरेंट है। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको जौनसेरे कबूतरों का शौक कराऊंगा। आज हम कलसेरे कबूतरों का कर रहे हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह जौनसेरे कबूतरों का शौक कराऊंगा।